हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो ये मैं पावर प्लान में उतरी थी, तो उतरते साथ मुझे उजी मिल गई और फिर मुझे M416 की बहन भी मिल गई। छोटी है कि बड़ी है नहीं मुझे पता। यहाँ पे मैंने इस बंदे को फायर किया, पता नहीं इसको फायर क्यों नहीं लगा। अजीब, पबजी के नशे हैं। तो फिर मैंने सोचा इसको आराम से मारती हूँ। नहत्ता है, कुछ है भी नहीं इसके पास। तो एकदम से उसके हाथ में और उसने मेरे पर हमला किया। तो फिर मैंने इसको डाउन करके उसको फिनिश कर दिया। फिर पावर प्लांट से मैंने लूट की और फिर मैं निकली यहाँ पे। यहाँ पे एक भाई साहब जा रहे थे और इनका नाम था अल्ताफ भाई। तो इनको मैंने नॉक फिनिश किया। और फिर मैं यहाँ से भी निकल गई। फिर पहले मैंने यहाँ पे इस बंदे को नॉक किया और वो बोर्ड भाई साहब भी मस्तियाँ कर रहे थे। तो मैंने सोचा पहले मैं बोर्ड को फिनिश ही कर दूँ। तो जैसे मैं फिनिश करने लगी वो आगे निकल गया। काफ़ी समझदार हो गया आजकल के बोर्ड भी। फिर इसको मैंने फिनिश नहीं किया क्योंकि इसके टीममेट ने आना था और वो वहाँ से सामने से आ रहा होगा। फिर मैंने फायर और कवर दोनों से काम लिया और फिर मैंने इस बंदे को नॉक किया, लेकिन इसका मुझे किल नहीं मिला। भाग जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। तो पीछे बोर्ड था, मैंने कहा फ्री का किल कौन है। तो पहले मैंने फिनिश कर दिया। फिर मेन बिल्डिंग पे बंदे थे। यहाँ पे एक बंदा था, उसको मैंने ना नेट करके मारने की कोशिश की कि चलो नेट से मर गया। तो नेट को कुक करके मैंने फेंक तो दिया, लेकिन नेट किसी काम तो नहीं आया। तो जैसे ही मैं आगे जाने लगी तो वो पीछे से बंदा आ रहा था। फिनिश किया तो मैं यहाँ से जा रही थी, तो इस बेचारे ने भला अपने बेली से रिवाइव ले लेता। तो उसने छलांग मारना पसंद किया, खुदकुशी करना पसंद की। तो इसका जो बेली है वो भी आ रहा था गन पीछे करके, तो इसको भी मैंने मौत के घाट उतार दिया और इसको भी मैंने। काफ़ी कुछ इसने जमा करके रखा हुआ था अपनी पेटी में, तो मैंने सब कुछ उठाया। फिर मैं निकल गई और फिर सामने पहाड़ी पे बंदे थे। फिर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, जा रहा था बड़े मज़े से, नॉक कर दिया। और एक फिनिश हो गया। फिर मुझे पैदल ही जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। फिर मैंने नेट किया कि चलो मरने में आसानी होगी। वहाँ से मुझे एक बोट मिला, मैंने बोट को मारा। फिर मैं वापस इनकी तरफ आई, नेट तो लगा नहीं। फिर जब मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ था। एक कब्र बनी हुई थी और एक रहा था, तो उसकी मैंने मदद की और उसकी भी कब्र बना दी। ड्रॉप भी लूटा हुआ था इन लोगों ने। यहाँ से बड़े मज़े से मैं गाड़ी लेके जाने लगी थी, तो एक बंदा एकदम से नमूदार हुआ, नहीं तो और भी मैंने इसको मार दिया। कभी कभी शील्ड बहुत ज़्यादा काम आती है, एक नई ज़िंदगी देती है इंसान को। ये थोड़ी सैड लाइंस हो गई। तो भी मैंने अच्छे तरीके से पेटी लूटी, कितना कुछ लेकर जा रहा था ये, और बड़े मज़े से आया सामने। तो भी मैंने MK उठा ली। साउंड इसका अच्छा नहीं होता लेकिन काम बहुत आती है। तो फिर मैं गाड़ी में बैठी क्योंकि जोन से बहुत ज़्यादा हेल्थ जा रही थी। फिर यहाँ से एक ही बंदा रह गया था, तो मैंने सोचा M4 को छोड़ती हूँ, तो MK पकड़ी हुई है, MK से ही बंदे को मारती हूँ।
उठाई और मैंने इसका ख़त्म कर दिया। तो ये हो गया हमारा चिकन डिनर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।